ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ जो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स थी वो हमने राइट साइड में लिख रखी हैं। जैसे अंधा अंधा मिस ब्लाइंड होता है, तैयार मिस रेडी होता है, डाकू मिस डेकोइट होता है, बेहोश मिस सेंसलेस होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से सबसे आसान स्पेलिंग जो आपको सबसे आसान लगती है उसको कमेंट करके हमें बताना है। देखिए, अब हम आगे अनुवाद करना सीखते हैं। क्या वह अंधा था? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने बात की थी, जब भी वॉच वर्ब की बात हो रही है तो एक वचन करता होगा तो वॉच लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब वाक्य क्या से आरंभ होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका नॉन एक्शन आएगा, यानी जो वर्ब नहीं नॉन एक्शन, उसके बाद हमारा बचा कुचा लिखा जाता है, ETC है ना, एटसेट्रा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, क्या वह अंधा था? तो क्या पहले आ रहा है? सबसे पहले क्या आएगा? वह के अकॉर्डिंग वॉज, वह की ही था कि क्या वॉज ही अंधे की ब्लाइंड BLIND ब्लाइंड, और लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या आप तैयार हैं? तो ये है हमारा प्रेजेंट का है, तो आप प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा सबसे पहले? आर। आपकी क्या होती? यू। और तैयार की क्या होती? रेडी। आर यू रेडी। अगला देखिए, क्या वे डाकू थे? तो वे प्लूरल है, क्या आ रहा है सबसे पहले? क्या है? वर। वे की क्या होती है? दे। क्या होती है वे की? दे। डाकू की स्पेलिंग क्या होती है? डेकॉइट्स ये लिख रखा है, DAKOITS डेकॉइट्स, क्योंकि वे प्लूरल है इसलिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। वर दे डेकॉइट्स, DACOITS। क्या लड़की बेहोश थी? तो लड़की अकेली है तो सबसे पहले क्या है? वॉज। लड़की क्या होगी? द गर्ल। वॉज द गर्ल, बेहोश की होती सेंसलेस ये लिखी है, वॉज द गर्ल सेंसलेस। अब आया क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, क्या मैं सड़क पर था? तो मैं है इसलिए क्या जरूरत? सबसे पहले क्या है? वॉज। मैं की क्या होती? आई। वॉज आई। पर की ऑन द रोड, रोड क्या होती? ROAD रोड। लास्ट में क्या आएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। वॉज आई ऑन द रोड, क्या शेर गुफा में था? तो क्या आ रहा है सबसे पहले? तो वॉज अलोइन, एक शेर या दस लोइन। वॉज अलोइन, मैं की इन गुफा की क्या होती? केव। वॉज अलोइन इन द केव। इन स्पेलिंग्स जो मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स के तौर पे लिख रखी हैं, उनको आपको लर्न कर लेना है जो आपको नहीं आती हैं। वह नाराज क्यों था? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? क्वेश्चन वर्ड की, तो वाई। ताकि वॉज, क्योंकि ही है, बाय वॉज ही नाराज होता है, एंग्री या डिसप्लीज्ड, ANGRY एंग्री। वॉज ही एंग्री। पिताजी कल कहाँ थे? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आई, और कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर।
थे आ रहा है, लेकिन हिंदी देखिए पिताजी कितने की होते हैं सबके पिताजी, वेयर वॉज इसलिए आएगा, द फादर वेयर वॉज द फादर, कल की क्या होती है यस्टरडे, पास्ट की बात हो रही है, YSTER EAY, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव। आप देखिए आगे, वह कुत्ते से भयभीत क्यों था, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई, वह अकेला इसलिए वाई वॉज, वह की ही वाई वॉज ही अफ्रेड, AFRAID, वाई वॉज ही अफ्रेड ऑफ, वह कुत्ते से, वाई वॉज ही अफ्रेड ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते से, है ना। लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तुम्हारी समस्या क्या थी, अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, क्या क्या की क्या होती है आपको पता है, वॉट, जब बिगिनिंग में आता है तो क्या की कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, वॉट थी कि वॉज, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉट वॉज आपकी समस्या, तो योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या वह एक बुद्धिमान आदमी था, ये 9th वाले स्टूडेंट्स के विशेष रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है वीडियो, क्या आप कह रहे थे सर कि आप वीडियो नहीं बना रहे, 9th क्लास की कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम पूरा ट्रांसलेशन एक साथ सीखने वाले हैं, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहें। क्या वह एक बुद्धिमान आदमी था, तो क्या शुरू होता, वॉज, वही ही वॉज ही वॉज ही आ वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी क्या होती है, वाइज, वॉज ही वॉज ही आ वाइज मैन। क्वेश्चन वॉज ही अ वाइज मैन। आगे देखिए, वह किसका बेटा था, किसका की क्या होती है, हूज सन, हूज सन वॉज, हूज सन वॉज ही। आगे देखो, क्या वो है एक व्यापारी था, तो क्या था कि वॉज, वैकी ही ए मर्चेंट, वॉज ही आ मर्चेंट। आगे देखिए, क्या वह एक अच्छी महिला थी, तो महिला के लिए तो क्या हो जाएगा, वॉज, वह की सी लड़की है इसलिए क्या आएगा, सी वॉज सी आ अच्छी की गुड महिला की लेडी या वोमेन, वॉज सी आ गुड लेडी या वोमेन। क्या वे खुश थे, तो प्लूरल है तो सबसे पहले क्या है, वर, वे की दे खुश की हैप्पी, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, वर दे हैप्पी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहां तक वॉज वर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।